हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास हमारा चल रहा है चैप्टर वन का ही, लेक्चर वन ही कंटिन्यू हो रहा है, रिलेशन ऑन अ सेट, जो कि आपको थोड़ी देर पहले बताया गया कि क्लास इलेवंथ का ही है। क्लास ट्वेल्थ में ये कंटिन्यूड है, क्लास इलेवंथ का ही रिलेशन ऑन अ सेट। तो अगर क्लास इलेवंथ वाला रिलेशन क्लियर नहीं है तो क्लास इलेवंथ के बुक से, क्लास ट्वेल्थ के सिंपल बुक से पहले डेफिनेशन वगैरह देख लें। मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया है, फिर से एक बार बस लिख लेंगे ट्यूशन कॉपी में, सब लोग अपने अपने नोट्स कॉपी में इसको मेंटेन कर लेंगे। लेट आर बी अ रिलेशन, रिलेशन लिख लेंगे सेट ए पे। पिछले क्लास में सिखाया गया रिलेशन क्या होता है, फिर से देख लें उसको। रिलेशन लिखने के बाद देन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर इज कॉल्ड डोमेन ऑफ आर। रिलेशन लिखे कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, जो पहला वाला एलिमेंट होगा उस कोऑर्डिनेट का उसको हम लोग डोमेन कहेंगे। लेट आर बी अ रिलेशन इन सेट ए, देन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर इज कॉल्ड डोमेन ऑफ आर। Let R be a relation in set A, then the set of all first coordinates of elements of R is called domain of R. It is written as domain R. आगे set of all second coordinates of R is called range of R. Written as range R. Set of all second coordinates of relation R is called range of R. Written as range R. Set of all second coordinates of R is called range of R. Written as range of R. मतलब relation लिखने के बाद जो उस कोऑर्डिनेट का पहला एलिमेंट होगा उसको डोमेन कहेंगे, रिलेशन लिखने के बाद कोऑर्डिनेट का दूसरा वाला एलिमेंट होगा उसको हम लोग रेंज कहेंगे। डेफिनेशन लिख लें, स्क्रीनशॉट करके भी लिख सकते हैं। लिख लिए स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। देखेंगे रिलेशन है आर माइनस वन वन, वन वन, माइनस टू फोर, टू फोर, माइनस वन वन, वन वन, माइनस टू फोर, टू फोर। डोमेन किसको कहेंगे बताया गया, रिलेशन लिखने के बाद सेट के अंदर कोऑर्डिनेट्स, पहला वाला जो कोऑर्डिनेट होगा माइनस वन वन, माइनस टू टू, इसको हम लोग कहेंगे डोमेन। रेंज कौन होगा, रिलेशन लिखने के बाद कोऑर्डिनेट में जो दूसरा वाला कोऑर्डिनेट होगा वन वन फोर फोर। क्लास इलेवेंथ में सिखाया गया है सेट्स में अगर दो बार तीन बार रिपीट हो रहा है तो एक ही बार लिख देना पड़ता है, बार बार रिपीट नहीं करते। तो डोमेन हो गया माइनस वन वन, माइनस टू टू, रेंज हो गया वन एंड फोर। क्वेश्चन नंबर टू, ये बोर्ड्स 2014 का क्वेश्चन है, बोर्ड्स 2014, बोर्ड्स 2014 का क्वेश्चन है, बोर्ड्स 2014 का क्वेश्चन है, बोर्ड 2014 का क्वेश्चन है, तो इसको आप नोट करेंगे। बोर्ड 2014 का क्वेश्चन है, बोर्ड्स 2014। लेट आर ए ए क्यूब सच दैट ए इज अ प्राइम नंबर लेस देन 5, फाइंड द रेंज ऑफ द रिलेशन। क्वेश्चन लिखेंगे लेट आर ए ए क्यूब सच दैट ए इज अ प्राइम नंबर लेस देन 5, फाइंड द रेंज ऑफ रिलेशन। एक नंबर का क्वेश्चन था CBSE बोर्ड 2014, लेट आर ए ए क्यूब सच दैट ए इज अ प्राइम नंबर लेस देन 5, फाइंड द रेंज ऑफ द रिलेशन। तो ए प्राइम नंबर है, 5 से छोटा 1 हो नहीं सकता, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो बचा 2, तो ए लेंगे 2 तो ए क्यूब हो जाएगा 8, ए लेंगे 3 तो ए क्यूब हो जाएगा 27, सो रिलेशन विल बी 28327। रेंज किसको कहते हैं, रिलेशन लिखने के बाद कोऑर्डिनेट का जो दूसरा वाला कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा वाला जो एलिमेंट होता है कोऑर्डिनेट में, जो दूसरा वाला एलिमेंट, जैसे 28 में दूसरा है 8, 3 27 में है 27, तो इसी को सेट के फॉर्म में लिख देंगे, वही हो जाएगा रेंज। बोर्ड सीबीएसई बोर्ड 2014 एक नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कॉपी में होना चाहिए, वीडियो वगैरह में से कुछ नहीं होता है, पहले इसको आपको कॉपी में लिखना ही है। पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड्स 2014, डोमेन पूछा नहीं, पूछता तो 2 और 3 होता। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, लेट आर एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस 2y इक्वल टू 8 बी अ रिलेशन ऑन सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर कैपिटल n, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। रिलेशन एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस 2y इक्वल टू 8 बी अ रिलेशन ऑन सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन।
तो रिलेशन कौन हो गया, एक्स का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो वाई का वैल्यू जो है वो 7/2 हो जाएगा, बस 7/2 हो जाएगा, बोला है नेचुरल नंबर पे लेने के लिए। तो एक्स का वैल्यू 1 नहीं ले सकते, 2 ले सकते हैं, एक्स का वैल्यू 2 लेंगे वाई 3 हो जाएगा, एक्स 4 लेंगे वाई 2 हो जाएगा, पुट करके देख सकते हैं, एक्स 6 लेंगे वाई का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये रिलेशन हो गया हमारा, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख लेने के बाद, बार बार आपको बताया जा रहा है रिलेशन लिख लेने के बाद, ये जो 2, 4, 6 है पहला कोऑर्डिनेट, पहला एलिमेंट कोऑर्डिनेट का 2, 4, 6, ये हो गया डोमेन और रेंज हो गया 3 to 1। और इस बात को हमको याद रखना है कि ये जो रिलेशन है पिछले क्लास में बताया गया वो सबसेट होना चाहिए ए बाई ए का, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। लेट आर ए बी, ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड ए प्लस 3b इज इक्वल टू 12। रिलेशन है ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड ए प्लस 3b इज इक्वल टू 12। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर, खुद से भी आप लोग कर सकते हैं। 3 लेंगे, x का वैल्यू 3, 1 और 2 में b का वैल्यू जो है वो नेचुरल नंबर नहीं आएगा, पुट करके देख सकते हैं। 3 लेंगे तो 3, 3, 6, 2, 9, 1, ये रिलेशन है। रिलेशन लिखने के बाद जो पहला वाला कोऑर्डिनेट है 3, 6, 9 वो डोमेन है, 3, 2, 1 ये रेंज है, क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से मैनेज करिए। क्वेश्चन नंबर 5, रिलेशन है ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए माइनस 1 का मॉड है, मॉडुलस फंक्शन, ए बिलोंग्स टू जेड है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एंड मॉड ए की वैल्यू लेस देन 3। रिलेशन है ए से बी सच दैट बी इज इक्वल टू मॉड ए माइनस 1, ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर एंड मॉड ए इज लेस देन 3। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर, ठीक है। तो क्या क्या लिख सकते हैं, मॉड ए का वैल्यू 3 से छोटा लेने के लिए बोला गया है, तो ए का वैल्यू माइनस 2 ले सकते हैं क्योंकि माइनस 2 का मॉड 2 हो जाएगा जो कि 3 से छोटा है। ए का वैल्यू अगर माइनस 2 लें और बी पर पुट करें, माइनस 2 माइनस 1 इज माइनस 3 का मॉड इज 3। आप लोग बच्चे नहीं है, समझ ही रहेंगे किस तरह सॉल्व हो रहा है। माइनस 2 3, माइनस 1 2, 0 1, 1 0 2 1 इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो डोमेन कौन हो गया, रिलेशन लिखने के बाद कोऑर्डिनेट का पहला एलिमेंट माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 ये हो गया डोमेन। रेंज कौन हो गया, रिलेशन लिखने के बाद कोऑर्डिनेट का दूसरा एलिमेंट 3, 2, 1, 0, 1, 1 दो बार रिपीट हो रहा है तो दो बार लिखने का जरूरत नहीं है। डोमेन इज माइनस 2 माइनस 1 0 1 2, रेंज इज 3, 2, 1, 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, लेट आर इज इक्वल टू सेट के फॉर्म ए 1/a सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड 1 से a से 5, ए जो है वो 1 से 5 के बीच में लेना है, बराबर भी नहीं, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, डोमेन रेंज लिखना है बॉस। कैसे होगा, ए का वैल्यू 1 नहीं ले सकते क्योंकि ए 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 2 बचा तो 2 लेंगे तो 1/1/2, 3 लिया तो 1/3, 4 लिया तो 1/4, 5 ले नहीं सकते, ए का वैल्यू 1 से 5 के बीच में लेने का। रिलेशन लिखने के बाद कोऑर्डिनेट का जो पहला वाला एलिमेंट होगा 2, 3, 4 वो हो जाएगा डोमेन। रिलेशन लिखने के बाद कोऑर्डिनेट का जो सेकंड एलिमेंट होगा 1/2, 1/3, 1/4 वो हो जाएगा रेंज। तो इस तरह से डोमेन एंड रेंज हम लोग निकालेंगे। क्लास 11th में ही ये टॉपिक पढ़ना था, आप क्लास 11th से भी एक बार पढ़ लें, क्लास 12th का भी जो बुक है आपके पास या फिर सारा डेफिनेशन नोट्स यहाँ पर लिखवाया हुआ है उससे मिला लें, और इसका काम पड़ेगा हम लोगों को इस चैप्टर में, इसलिए सब क्लियर रखें। ये बोलने पर कि क्लास 11th में ये हमारा क्लियर नहीं था, काम चलेगा नहीं, क्योंकि ये जो पहला लेक्चर चल रहा है वो क्लास 11th सेट एंड रिलेशन पर ही बेस्ड है। तो ये हमारा हुआ लेक्चर 1, क्लास 12th का रिलेशन का ख़त्म। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।